ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਨੀ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਦਹਾਈ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲ ਜਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲ ਜਾ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਨੀ ਓਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ दोस्तों सुबह सवेरे की बैठक में आज रंग है पंजाबी पॉप के हमारे आज के मेहमान हरभजन मान के साथ। तो आइए मुलाकात करते हैं हरभजन मान से। हरभजन जी आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी। आप सुबह सवेरे में एक बार फिर आए हैं तो जरूर जानना चाहेंगे कि इस बीच क्या मसरूफियात रही और कैसा लग रहा है दोबारा यहाँ आकर। बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज माई आई थिंक थर्ड और फोर्थ टाइम दैट आई बीन टू योर शो, क्योंकि हिंदुस्तान भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आपका प्रोग्राम और बीच में एल्बम्स आई हैं और जब भी कोई नई एल्बम आई है तो मेरे को मौका मिला है, सुबह सवेरे ने मेरे को मौका दिया है आने का और काफ़ी शोज़ इंडिया में और अब्रॉड चलते रहते हैं और साथ साथ में अभी एक चेंज ओवर जो है वो थोड़ा फिल्मों में काम भी मैंने शुरू किया है। अच्छा हरभजन, अगर पंजाबी पॉप गायकों की हम बात करें तो उसमें एक लंबी फहरिस्त है, ऐसे में आपको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए? ज़्यादा मेरे को मुश्किल नहीं आई, क्योंकि एक क्या होता है कि ज़्यादा आर्टिस्ट वो दे आर वेरी टैलेंटेड, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, प्रॉपर ब्रेक, प्रॉपर रिकॉर्डिंग, ये वो आपको नहीं चांसेस मिलते। तो क्योंकि आई वॉज ब्रॉड अप इन कैनेडा, फैमिली वॉज सेटल्ड इन कैनेडा, तो ये रिकॉर्डिंग ये थोड़ा सा मेरे को ब्रेक्स इजी मिल गए थे, लेकिन उसके बावजूद मैं जब मेरा पहला एल्बम हिट हुआ 93 में पंजाब में, तो ओवरनाइट विद दैट सॉन्ग आई रिमेंबर आई रिकॉर्डेड दैट सॉन्ग ऑन जलंधर दूरदर्शन, तो सुबह वो रात को आया तो सुबह आई वाज लाइक ए हाउस होल्ड नेम इन पंजाब। तो 5-6 साल जो पंजाब में लगाए वो स्ट्रगलिंग पीरियड भी था, लेकिन सेम टाइम आई वॉज ए स्टार देयर एज वेल, लेकिन पंजाब के बाहर कोई पहचान नहीं थी। तो पंजाब के बाहर मेरे को आने में 5-6 साल लगे, जब गाना आया गल्लां गोरियां विच टोए तो उसने फिर एक हिंदुस्तान भर में पहचान बनाई, उसके बाद छम छम ये सारे गाने लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए। अच्छा, आपको क्या वजह लगती है कि पंजाबी पॉप ने आजकल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी एक पहचान बना लिया? आइटम सॉन्ग एक पंजाबी पॉप का तो ज़रूर होता है, तो क्या वजह है इसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो मेरी सोच है, आई थिंक वन रीज़न इज़ कि पंजाबी इज़ वेरी क्लोज टू हिंदी एंड ऑफ कोर्स पंजाबी जो गाना है, पंजाबी जो है देयर इज़ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, और उससे भी ज़्यादा जो सेल्स हैं दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द फिल्म कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू और एल्बम के लिए। तो पूरा जो नॉर्थ बेल्ट है द बाइंग पावर इज़ देयर, और उसके बाद आज ओवरसीज को एक बहुत बड़ा टेरिटोरी माना जाता है। तो नेचुरली बाहर में जो जितने भी हमारे हिंदुस्तानी वहाँ बैठे हैं उनमें से ज़्यादातर यू कैन से 80% आर पंजाबीज, सो सेल के हिसाब से। और दूसरा मैंने जैसे बोला कि एक लाइवली जो एनर्जी, एक एक्साइटमेंट चाहिए वो पंजाबी गाने क्या में है। यही वजह है कि भारत के जो दूसरे लोकगीत हैं उनसे हटकर पंजाबी लोकगीतों ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन की है? आई थिंक सो, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि पंजाबी गाना इतना ज़्यादा मकबूल हुआ। लेकिन अगर आप पुराना चाहे 25-30 साल पहले का भी जो पंजाबी सॉरी हिंदी गाना फिल्मों का आया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंपोजिशन, काफ़ी ज़्यादा जो फील है गाने का उस टाइम भी पंजाबी का लिया, पंजाबी फोक का लिया जाता था। हरभजन, पंजाबी गायकी का जो अंग है अगर उसकी बात करें तो उसमें सूफियाना काफ़ी इस तरह की गायकी है, तो क्या कभी आपका उस तरफ भी ध्यान गया कि आप उस तरह की गायकी गाएं? हमारे बहुत अच्छे शायर हुए हैं जैसे बुल्ले शाह, तो नेचुरली स्टेज पे एक आधा गाना ऐसा हम ज़रूर गाते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने अभी तक नहीं कुछ ऐसे रंग की, लेकिन एक मेरी जो स्पेशलिटी है, जैसे मेरी गाने की शुरुआत हुई थी वो सूफीज़्म से नहीं हुई थी, मैंने ज़्यादा जो एक पंजाब का फोक गाने का स्टाइल है वो उससे शुरुआत की थी, तो वो रंग मैंने ज़रूर बरकरार रखा है, चाहे वो एल्बम में एक आधा गाना, चाहे हीर का गाऊं या मिर्ज़ा, और मिर्ज़े का मैंने वीडियो भी शूट किया। मिर्ज़ा अगर आप अभी हमारे लिए यहाँ गाएं। ज़रूर गाऊंगा जी। जद तीर तोड़ते सहबाने मरदा होया मिर्ज़ा की कहंदा वेड़ा च रोंदियां मामा नू एडा
ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਬਾਂ ਤੈ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਨੀ ਸਹਿਬਾਂ ਤੈ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਨੀ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਨੀ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अच्छा हरभजन जी, आप एक गायक के साथ साथ एक अभिनेता की भी पहचान बनाने जा रहे हैं अपनी, जो आपकी नई फिल्म आने वाली है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मेरी बड़ी देर की इच्छा थी जी कि जैसे हमारी बातचीत चल रही है कि पंजाबी गाने के बगैर आज हिंदी फिल्म का ऑडियो अधूरा समझा जाता है, तो पंजाबी गाने ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन जो पंजाबी सिनेमा है दैट इज़ टोटली इज़ सॉर्ट ऑफ यू कैन से कि फिनिश्ड, कुछ है ही नहीं पंजाबी सिनेमा में। तो आज बड़े बड़े जो हिंदी के मेकर्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, दे से के वी गिव ए डैम अबाउट इंडियन मार्केट, हमारी यहाँ फिल्म चलती है नहीं चलती, लेकिन ओवरसीज़ में हमारी फिल्म हिट होनी चाहिए। तो ओवरसीज़ में जितने भी हमारे इंडियंस हिंदुस्तानी वहाँ रहते हैं, तो 80% आर पंजाबीज, सो सच ए बिग टेरिटोरी, इतने पंजाबी वहाँ बैठे हैं, और पूरा नॉर्थ, चाहे हिमाचल, हरियाणा, पंजाब है। तो आई एम लक्की कि मेरा जो जितने भी वीडियो शूट हैं उनकी सिनेमाटोग्राफी जो की थी वो मनमोहन जी ने की थी जी। मान जी इज़ वन ऑफ द, यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट सिनेमाटोग्राफर्स, यश चोपड़ा जी, गुलजार साहब की जितनी भी फिल्में हैं सब मनमोहन जी ने की हैं शूट। तो मनमोहन जी बींग ए पंजाबी, माई सेल्फ आई एम ए पंजाबी, एंड टी सीरीज अगेन दोज पीपल आर पंजाबी, तो इट्स फर्स्ट टाइम कि हम सभी लोग ऐसे लोग रल मिल के कोशिश की है। फर्स्ट टाइम किसी पंजाबी फिल्म का जो बजट है वो करोड़ों में है, 5 करोड़ इस फिल्म पे लगा है। नाम क्या है इस फिल्म का? नाम है जी आया नू, मीन्स वेलकम, और पूरी एक पंजाब और NRI बहुत ज़्यादा बाहर बैठे हैं उनकी स्टोरी है। मैं खुद कनाडा, मैंने ज़िंदगी के बहुत साल गुजारे हैं, जो हमारी वहाँ सेकंड और थर्ड जनरेशन है उनके इंडिया पंजाब में बारे, पंजाब के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में क्या व्यूज़ हैं, और जो लोग हमारे यहाँ बैठे हैं इतना पैसा लगा कर कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की, वो बाहर के बारे क्या सोचते हैं। तो इस फिल्म में अभिनेता के साथ साथ आपने गायक का भी किरदार निभाया जी। नेचुरली पंजाबी फिल्म में इतना बड़ा पैसा प्रोड्यूसर्स ने लगाया है, तो सबसे पहले एक सेफ पॉइंट ही ये था कि इसमें हरभजन मान के गाने होंगे, एल्बम हरभजन मान की होगी। तो साथ साथ में मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार के किसी एल्बम में, फिल्म में मैंने ड्यूट्स भी गाए हैं। अच्छा। एंड वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा मेरे को। कि इस फिल्म का कोई गीत आप हमें सुनाएं जी। एक ड्यूट है जो मैंने अभी अलका याग्निक जी के साथ गाया है, उसके कुछ बोल मैं आपको सुनाता हूँ। ना ए हसदा है ना ए रोंदा है ना ए जागदा है ना ए सोंदा है, दिल जदों दिल लावे फिर अंबरी उड़ना चावे, कोई एनू समझावे वे चन तारिया सानू तेरिया मुहब्बतां ने मारिया, ऐ दिल जदों दिल लावे फिर अंबरी उड़ना चावे हो। हरभजन जी, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रही हैं या रहे हैं आपकी ज़िंदगी में? सबसे ज़्यादा मेरे को जो गाने के लिए इंस्पायर किया है देर वॉज माई मदर, क्योंकि आई बिलोंग टू ए जाट सिख फैमिली, और हमारे ज़्यादा जो बुज़ुर्ग थे खेती बाड़ी का काम ही करते थे, तो गाना हमारे घर में कोई सोच ही नहीं सकता था उस टाइम, बैक इन लेट 70s। तो लेकिन मदर को मालूम था कि इसको गाने का शौक़ है, तो वो सबसे चोरी चोरी लगे रहते थे, बेटा तू लगा रहे कोई बात नहीं, मैं तेरे पीछे हूँ। तो आई इवन दो शी इज़ नो मोर, शी डाइड बैक इन 77, लेकिन शी ऑलवेज इंस्पायर्ड मी, पूरा मेरे को इनक्रेज किया कि हाँ अगर तू जो करना चाहता है तो कर, और दिल से कर। हम चाहेंगे कि हमारा ये जो आपसे बातचीत का सिलसिला है ये हम आपसे विदा लें एक सुंदर से गीत के साथ। फिल्म में एक गाना है जी मेरा, डांसिंग नंबर है जी आया नू, उसके कुछ बोल आपको सुनाता हूँ।
ਝਾਂਜਰ ਨੂੰ ਛਨਕਾ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪਾ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਈ ਓ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਓ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਗਈ ਓ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਓਏ ਝਾਂਜਰ ਨੂੰ ਛਨਕਾ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ हरभजन जी आप हमारी बैठक में आए और इसे पंजाबी गीत से सजाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच जी बड़ी मेहरबानी